वन वेलकम टू टीचिंग सर्कल इस वीडियो में हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर का यूनिट फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में पूरी यूनिट वन जो है वो आप लोगों की कवर कर दू यूनिट वन के सारे मेन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीडियो के बीच में मैं पेपर से रिलेटेड और भी मेन डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाली हूँ तो इसलिए प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा हम सबको पता है कि नॉलेज एंड करिकुलम जो है वो हमारा बीएड का सेकेंड ईयर का फर्स्ट मेन कम्पल्सरी पेपर है तो अब पेपर आने ही वाले हैं तो हम लोगों को अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो यूनिट वन में हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है हमारा नॉलेज के बारे में मीनिंग ऑफ नॉलेज नॉलेज क्या है तो अगर हम लोग नॉलेज के बारे में न, लिखना शुरू करेंगे तो उसे हमें सबसे पहले क्या बताना है हम सबसे पहले कुछ अपने जो हमारे राइटर्स हैं उनके बारे में डेफिनेशन बताएंगे जिससे कि वो हमें हेल्प करेगा चीजों को जानने में तो यहाँ पर देखो मैंने एक दो राइटर्स की डेफिनेशन लिखी है फर्स्ट है हमारा स्पेंसर अकॉर्डिंग टू स्पेंसर नॉलेज क्या है नॉलेज इज अ अम्प्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट नॉलेज क्या है ज्ञान आपका पूरा सिस्टम है विचारों का जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं जो भी आप सोचते हैं वो सब मिलकर आपका क्या बनाते हैं ज्ञान बढ़ाते हैं आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज करते हैं ऐसे ही डेवी ने कहा है अकॉर्डिंग टू डेब्वी नॉलेज इज डायनामिक इन नेचर नॉलेज क्या है डायनामिक है अपने आप में इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज जो है वो टाइम के साथ बदलती रहती है जाहिर सी बात है जिस तरीके से समय बदलता है हमें चीजों के बारे में पता चलता है प्रकृति में बदलाव आता है हमारी नॉलेज में हमारी ज्ञान में भी बदलाव आता है और हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती है हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है द वर्ड नॉलेज रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन लर्निंग कग्निशन एक्विटेंस एंड इंफॉर्मेशन ज्ञान क्या है ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है इससे हमें लर्निंग होती है बहुत सी चीजें हम सीखते हैं इंस्ट्रक्शन मिलती है हमारा जो यू नो ब्रेन पावर है वो इंक्रीज होती है हमें चीजों के बारे में जानकारी मिलती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम जो है वो कलेक्ट करते हैं तो ये सब मिलकर हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ाती है तो नॉलेज को एक तरह से नॉलेज की कहीं ना कहीं सीनोनियम्स भी हैं हम लर्निंग कह सकते हैं कि ज्ञान बढ़ना भी हमारा चीजों के बारे में जानना वो हमारा ज्ञान बढ़ना होता है जब हमें बहुत सारी चीजों के बारे में हम परिचित होते हैं तो उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है इट अबाउट रियालिटी ये क्या करता है ये ये हमें हमें के बारे में बताता है है। है की सच्चाई से परिचित कराता है। Knowledge also derived from experience. ये बहुत ही कि ज्ञान जो है वो हमारा किससे डिराइव होता है किससे निकलता है हमारे एक्सपीरियंस से जब हम चीजों को ज्यादा अनुभव करते हैं हम लाइफ में जैसे जी रहे हैं उसमें जब हमारा हम बहुत सारी वास्तविकता में रियलिटी में चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं अनुभव करते हैं तो उससे हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता ही है और वो हमें आगे हमारी लाइफ में और भी ज्यादा काम आता है तो ये कुछ नॉलेज की डेफिनेशन है जो स्पेंसर और द्वारा मेन ऑथर्स के द्वारा दी गई है अगर हम अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं अगर हमें नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले अगर मीनिंग ऑफ नॉलेज से शुरू करेंगे अपना आंसर और सबसे पहले एक दो तो अच्छे ऑथर्स की डेफिनेशन जो लिख देंगे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं थोड़ा वो गूगल ट्रांसलेट ही किया है तो शायद कहीं एक दो लाइन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसे प्लीज थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा नहीं तो अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ नॉलेज इसके साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपना नेक्स्ट है हमारा टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि नॉलेज क्या है नॉलेज का अर्थ क्या है तो अब हम इसके साथ साथ बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ नॉलेज क्या है नॉलेज के कितने तरह होते हैं और उसके कितने प्रकार हैं तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स और काइंड्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे देखिए ये हमारा मेन जो है टॉपिक है तो आप लोगों को पता ही होगा अगर नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आता है अगर हमसे टाइप्स और कांडस ऑफ नॉलेज ही पूछा है तो उसके बाद भी हम लोग जो है वो अपना आंसर जो है वो मीनिंग ऑफ नॉलेज ही शुरू करेंगे पहले हम थोड़ा सा नॉलेज के बारे में बताएंगे उसके बाद हम काइंड ऑफ नॉलेज के बारे में लिखेंगे मैं वीडियो में आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि एक परफेक्ट आंसर भी कैसे लिखा जाता है देखो परफेक्शन तो कुछ नहीं होता है लेकिन एक सही आंसर लिखने का क्या तरीका है कोई भी जब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीएड में आपको पता है जैसे कि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होता है वो एक क्वेश्चन मार्क्स का होता है तो सिक्सटीन मार्क्स में ये तो नहीं है कि हमें टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ नॉलेज नॉलेज पूछा है तो हम सीधा से शुरू कर देंगे सबसे पहले हम थोड़ा मीनिंग ऑफ नॉलेज लिखेंगे नॉलेज क्या होता है उसके बारे में बताएंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे उसके बाद ही हम टाइप्स ऑफ नॉलेज लिखेंगे तो अब शुरू करते हैं टाइप ऑफ नॉलेज क्या होता है टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या होता है विभिन्न तरह की नॉलेज ठीक है अलग अलग तरह का ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाता है तो फर्स्ट है हमारा प्राथमिक नॉलेज ये ज्ञान होता है हमारा इसे हिंदी में प्राथमिक ज्ञान कहा जाता है ये जो नॉलेज होती है ये हमें इंडिपेंडेंटली मिलती है अपने एक्सपीरियंस से ठीक है लेकिन इस नॉलेज को हम क्या करते हैं इस नॉलेज को हम लोग थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं मतलब इसका हम इतना ध्यान नहीं रखते इस नॉलेज का ठीक है हमें किसी ने बता दिया किसी चीज के बारे में हमने जान लिया लेकिन ये नॉलेज जो होती है वो भूल भी सकता है बच्चा मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा याद रहेगी क्योंकि ये कैसी होती है नॉन इम्पेरिकल नॉलेज होती है नॉन नॉलेज मतलब हमें हमें किसी किसी अनुभव से प्राप्त नहीं नहीं हमने कोई इसके लिए प्रैक्टिस नहीं किया ये बस चीज के बारे में बताया गया और हमें पता चल गई तो ये नॉलेज हम लोग भूल भी जाते हैं और इस नॉलेज को हम टेक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं किस नॉलेज को प्रायरी नॉलेज को जिसे हिंदी में प्राथमिक ज्ञान कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है जैसे अगर हम किसी एक बच्चे को बता दें कि एक ऑब्जेक्ट है ठीक है सर्टेन ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये टेबल है और बच्चे ने जान लिया कि ठीक है ये टेबल है और इस टेबल ने कितना स्पेस ले रखा है थ्री थ्री डायमेंशन मतलब थ्री डायमेंशन का टेबल है और इसने एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है लेकिन एक ऐसी नॉलेज है जो किसी को बता दी गई उसने सुन लिया लेकिन बच्चा जो है वो इस नॉलेज को भूल सकता है तो ये कैसी नॉलेज है ये हमारी नॉन इंपेरिकल नॉलेज है जिसका हमें कोई ज्यादा अनुभव नहीं है जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है किसी ने बता दिया और हमने उसे ले लिया इसलिए इस नॉलेज को टेकन फॉर ग्रांटेड भी कहा जाता है जिसका हमें अनुभव कोई नहीं होता नेक्स्ट जो होती है नॉलेज वो हमारी इम्पेरिकल नॉलेज होती है इसका इम्पेरिकल मतलब ही मैं बता दूं अब जैसा मैंने ऊपर पढ़ा नॉन जो हमें अनुभव से आपको पता होगा एक्सपीरियंस से ही निकला है एम्पेरिकल इसे हिंदी में अनुभव जन्य कहते हैं कि जो आपको अपने अनुभव से मिलती है नॉलेज तो यहाँ पर क्या होता है जब हम अपने लाइफ में कुछ चीज करते हैं हम उसे कोई You know, uh, कोई चीज को हम प्रैक्टिकली लाइफ में अपने यूज कर रहे हैं उसका फिर हम कोई एक्सपीरियंस लेते हैं चीजों को समझते हैं तब हमें वो नॉलेज जो है यहाँ से प्राप्त होती है इसे पोस्ट्रॉय नॉलेज और एम्पेरिकल नॉलेज कहा जाता है पोस्ट्रॉय का मतलब होता है आफ्टर वर्ड्स वर्ड्स मतलब जो नॉलेज हमें अपने एक्सपीरियंस के बाद गेन हुई है इट इज द नॉलेज विच इज गेन थ्रू एक्सपीरियंस अ दिस नॉलेज इज एंपेरिकल ये एंपेरिकल है जो हमें अपने अनुभव से प्राप्त होती है अराइव्ड आफ्टरवर्ड्स पहले हम लाइफ में कोई चीज अपना अनुभव करते हैं कोई चीज करते हैं उसके बाद हम उस चीज से जब कुछ सीखते हैं आफ्टरवर्ड्स जो नॉलेज होती है उसे एंपेरिकल और पोस्टरई नॉलेज कहा जाता है तो यहां हमने नॉलेज के दो टाइप्स पढ़े हैं प्रायर नॉलेज और एंपेरिकल नॉलेज अपने अनुभव से प्राप्त होती है ये नॉलेज हमें आफ्टरवर्ड्स मैंने आपको बताया पोस्ट्रोई का मतलब क्या होता है आफ्टरवर्ड्स मतलब आपने पहले कुछ चीज एक्सपीरियंस किया उसके बाद आपको नॉलेज जो है वो प्राप्त हुई है तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नॉलेज अब हम इसमें नेक्स्ट चलेंगे

कैसी होती है ये नॉलेज किसी स्पेशलिस्ट से निकली होती है मतलब आपने ऑथर्स की बुक्स पढ़ी है ठीक है कोई स्पेशलाइज है किसी एक चीज में उसने अपना बुक लिख दिया ठीक है और उस बुक को हमने पढ़ लिया और हमें सारी नॉलेज जो है वो प्राप्त हो गई तो ये हमारी कैसी नॉलेज है जो हमें किसी ऑथर की बुक से प्राप्त होती है आधिकारिक नॉलेज वही हमने किसी की नॉलेज को पढ़ लिया और हमें पूरी नॉलेज जो है वो मिल गई ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सी नॉलेज होती है Scientific knowledge. Scientific knowledge कौन सी होती है? Scientific knowledge होती है 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 हमारी वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाता है इसे हिंदी में, जो हमें observation और experimentation से मिलती है भाई पहले हमने चीजों को क्या किया चीजों का ऑब्जर्व किया है अवलोकन किया है उसके बाद चीजों का प्रयोग भी किया है उसके माध्यम से जो हमें चीजें प्राप्त होती हैं, भाई कोई भी चीज है जिसको हम वेरीफाई करते हैं पहले टेस्ट करते हैं बहुत सी चीज होती है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि चीजें कैसी हुई हैं तो उसे क्या कहा जाता है साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है एम्पेरिकल नॉलेज कौन सी होती है एम्पेरिकल नॉलेज होती है ये हमारी सेंसेस ऑब्जर्वेशन से पता चलती है मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है अनुभव जो अभी मैं हमने ऊपर पढ़ा कि एम्पेरिकल नॉलेज क्या होती है इसी डिटेल में अभी हम मैंने आपको बताया है कि जो हमें अपने अनुभव से मिलती है ठीक है इधर हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं अवलोकन करता है चीजों के बारे में उसके बाद हमें ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है नेक्स्ट है हमारी रेशनल नॉलेज नेशनल नॉलेज कौन सी होती है ये हमें हमारी तर्क संगत ज्ञान होता है जो हमें तर्क से प्राप्त होता है रीजनिंग से प्राप्त होता है आप वास्तविकता भी कहा जाता है जिसमें हमें पता चलता है रियलिटी क्या है चीजों के बारे में इधर रेशनल नॉलेज में हम चीजों को जज कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है जब हमें रेशनल नॉलेज आ जाती है जब हमें चीजों के बारे में सही और गलत चीजों के बारे में पता चल जाता है तब हम अपनी नेशनल नॉलेज का यूज कर पाते हैं कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है नेक्स्ट है प्रेग्मेटिक नॉलेज प्रेग्मेटिक नॉलेज कौन सी होती है ये व्यवहारिक ज्ञान होता है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मिलता है अपना जब हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तब हमें ये प्रेगमेटिक नॉलेज जो है हमें गेन होती है acquire होती है हमें व्यवहारिक ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है पहले हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं observe करते हैं उसके बाद हम अपनी लाइफ में चीजों के साथ एडजस्ट करना उसे सीख जाते हैं तो ये होती है प्रेग्मेटिक नॉलेज जो वो ज्ञान जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें मदद करता है चीजों को सीखने में अब हम अपना सिक्स पॉइंट देखेंगे सिक्स पॉइंट क्या है रिबेल नॉलेज रिविल नॉलेज में क्या होता है reveal knowledge का जो क्या होता है? हमारा religious से हम लोग जो है जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती है उससे हम अपना ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं जो हमने धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं उनसे जो भी हमें धर्म के बारे में चीजों का पता चलता है उसे कहते हैं रिवील नॉलेज ये जो नॉलेज होती है ये कहाँ से आती है ये डिवाइन सोर्सेज से आती है जो भी हमारी ईश्वरी स्रोत हैं जैसे कि बहुत सारी पुस्तकें हैं हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें गीता का पता चलता है गीता के बारे में और महाभारत के बारे में पता चलता है कृष्ण की वैल्यूज मिलती हैं, तो इसी तरीके से जो डिवाइन सोर्सेस होते हैं उधर से हमें ये नॉलेज मिलती है और प्रॉफिट प्रॉफिट भी आपको पता है क्या होता है ईश्वरी पैगंबर होते हैं ये जो भगवान के बारे में हमें बताते हैं ईश्वर के बारे में हमें हैं ईश्वर के बारे में हमें हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं तो जो नॉलेज हमें डिवाइन सोर्सेज और प्रॉफिट से मिलती है रिविल नॉलेज कौन सी होती है? होती है है वो नॉलेज नॉलेज रिवील नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव नॉलेज इनिशिएटिव नॉलेज कौन सी होती है ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है नेचर में ये रिपीट नहीं होती हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू और ना ही साइंटिफिकली वेरीफाई होती है ये अब हमें एकदम स्पॉन्टेनियस मिलते हैं। मतलब हमें कभी भी किसी भी ज्ञान का बस पता चल जाता है जो हम जरूरी नहीं है कि हमने पहले उसे पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो और जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिकली भी प्रूफ हो वेरीफाइड हो ये बस हमें मिल जाती है तो इसे कहा जाता है इनिशिएटिव नॉलेज हिंदी में इसे सहज ज्ञान कहा जाता है तो ये थे हमारे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज ज्ञान के बारे में हमने कुछ स्पेसिफिक अपने टाइप्स पढ़े आपने देखा कि हमने इस वीडियो में अभी तक अपना काइंड्स पढ़ा है टाइप्स पढ़े हैं नॉलेज के और मीनिंग भी पढ़ लिया है अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारा मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज क्या है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए नॉलेज को गेन करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं ठीक है तो अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट है इसमें हमारा अपील टू अथॉरिटी अपील टू अथॉरिटी क्या कहता है इसमें आ, देखो अथॉरिटी से ही हमें ध्यान देना है ना कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं एक तरह से ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ जैसे हमें बुक से नॉलेज नहीं मिलती कितनी ऑथर्स को पढ़ लेते हैं हम uh, ऑथर्स की बुक्स को उसके बाद हमें तो, चीजों के बारे में पता चल जाता है उसी तरीके से ये बता रहे हैं कि तो अथॉरिटी में क्या कहा जाता है कि इसमें हमें नॉलेज कैसे अक्वायर होती है उन लोगों से होती है जिन्होंने स्पेशल फील्ड में काम किया होता है ठीक है जैसे स्पेशल ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट की तो हमें उसी सब्जेक्ट का नॉलेज होता है तो इसमें भी वही बोला गया देखिए दिस मैथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज रिलेटेड टू द स्पेशल फील्ड ऑफ नॉलेज द स्पेशलिस्ट वर्किंग इन फील्ड हमें स्पेशल फील्ड की नॉलेज मिलती है और किन के थ्रू मिलती है स्पेशल फील्ड की नॉलेज स्पेशलिस्ट के थ्रू जिन्होंने उन्हीं स्पेशल फील्ड में काम किया होता है तो ये भी एक तरीका है मेथड है नॉलेज को एक्वायर करने का नेक्स्ट है हमारा अपील टू ट्रेडिशन अपील टू ट्रेडिशन में क्या है कि पहले क्या होता था हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता था ठीक है हमारी परंपराएं कुछ ऐसी चलती आ रही है हमने हमें पता है कि ये चीजें होती है हमारे पूर्वजों की और हमारी संस्कृतियों से हमने बहुत सारी परंपराओं को अपनाया हुआ है फिर लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये परंपराएं गलत है हमें छोड़ देना चाहिए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो इस तरीके से भी हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान प्राप्त हुआ है देखिए मैन असिफ्ट मेनी ट्रेडिशन ऑफ इट्स फोरफादर्स और कल्चर हम मनुष्य को बहुत सारी जो अपने ट्रेडिशंस है परंपराएं हैं वो अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों से मिली है बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी डेट एवरीथिंग एक्सेप्टेड फ्रॉम आई ट्रेडिशन इज राइट एंड वैलिड लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी हमें मिला है वो राइट right हो सही हो और वैलिड हो हिस्ट्री इज द प्रूफ दैट मैनी ट्रेडिशन विच प्रिवेल फॉर इयर्स वो लेटर फाउंड टू बी रॉन्ग एंड हैव टू बी रिजेक्टेड इतिहास ने ये बता दिया है ट्रेडिशन परंपराएं जो चलती आ रही हैं बहुत सारी परंपराएं गलत हैं और उन्हें रिजेक्ट भी किया जा चुका है वी शुड नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशन बिफोर एक्सेप्टेड इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि हमें परंपराओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे पहले हमें क्या करना चाहिए उसका मूल्यांकन करना चाहिए जज करना चाहिए इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या वो सही है और क्या वो गलत है उसके बाद ही हमें किसी नॉलेज को अपनाना चाहिए और उसे अपने ट्रेडिशन को भी अब अपना अपनाना चाहिए ट्रेडिशन को भी हमें अपनाएंगे नेक्स्ट है हमारा अपील टू सेंसेस अब क्या होता है यहाँ पे क्या होता है सेंसेस भी हमारे मेन सोर्सेस होते हैं नॉलेज के ठीक है इसमें क्या होता है हमें देखो ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है सेंसेस हैं इंद्रिया हैं स्वयं के बारे में जागरूकता इंद्रियों के माध्यम से होती है हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है ना अपने सेंसेस से टेस्ट स्मेल ये सारी नॉलेज हमें अपने सेंसेस से तो मिलती है तो ये भी हमारा क्या है एक इनटेक ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर है फ्रॉम दी इनमेंट इन हमने वातावरण से बहुत सी चीजों को सीखा है ठीक है बहुत सी चीजों को लिया है तो ये जो तीनों पॉइंट्स है अपील टू अथॉरिटी अपील टू ट्रेडिशन अपील टू सेंसेस इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं आगे भी इसके पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंट्यूशन इंट्यूशन क्या होता है इंट्यूशन को हिंदी में अंतर्ज्ञान कहा जाता है इसमें हम नॉलेज कैसे अटेन करते हैं इसमें इसमें हम नॉलेज अटेन करते हैं इंस्पिरेशन और इल्यूमिनेशन से इसमें हमारा क्या होता है प्रेरणा और प्रकाश ठीक है इसमें हम चीजों को कैसे देखते हैं एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है ठीक है ये क्या करता है सचनात्मक परिवर्तन लाता है शिक्षार्थी के मानसिक संकायों में मतलब उसके Man, जो लर्नर होते हैं उनकी मेंटल फैकल्टीज में ये स्ट्रक्चर चेंज आता है इंट्यूशन में हम बहुत सारी चीजों को अपनी इंस्पिरेशन के थ्रू सीखते हैं हमारी हम कहते हैं ना ये हमारी इंट्यूशन है ये हमारा प्रेरणा है हमने भाई अपना मोटिव बना रखा है ये इससे हम अपनी चीजों को कंप्लीट करके रहेंगे तो ये भी एक क्या है नॉलेज को एक्वायर करने का मेथड है नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉलेज देयर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इफेक्टिव टूल टू एक्वायर न्यू नॉलेज अगर हमें कोई भी काम करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम उसका समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं तो ये भी एक टूल है हमें नया ज्ञान प्राप्त होगा ठीक है ज्ञान का ही एक अंग माना गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी समस्या समाधान को भी इसमें हमें नया ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा जो टूल है वो मिलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आई है फिर हम उस चीज को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना कहीं ना कहीं तो ये भी हमारा एक न्यू टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज को एक्वायर करने का नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन क्या होता है इसमें ये दोनों ही हमें नॉलेज अटेन करने के लिए हेल्प करते हैं ये इंडिविजुअल को बहुत ही पूरा you know, whole, पूरा whole knowledge जो है एक्वायर करने में हेल्प करते हैं दोनों ज्ञान प्राप्ति का आधार है यहाँ इंडिविजुअल को क्या करा जा रहा है पूरा सारी नॉलेज जो है मीनिंगफुल नॉलेज जो है वो प्राप्त होती है यहाँ पर जो इंडिविजुअल है अगर वो मेडिटेट करता है कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो चीजों को और भी बेहतर तरीके से सीख पाता है कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन से ही आप समझ जाएंगे मेडिटेट आप करेंगे जितना जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ही आप नई तरीके से चीजों को सीखेंगे चीजों को और बेहतर समझेंगे डीपली जो है आपको नॉलेज जो है वो एक्वायर होगी तो ये सारे पॉइंट है आपके मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अब हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के ऊपर भी देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज क्या है इनके ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं कि भाई ज्ञान और सूचना के बारे में बताइए इंफॉर्मेशन क्या होती है सूचना और नॉलेज क्या होता है हमारा ज्ञान शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो हमें इसके साथ और भी पूरा कंबाइन करके लिखना होता है अगर खाली इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वैसे आता नहीं है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए कंबाइन होकर ही आएगा अगर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो ये क्वेश्चन बाकी शॉर्ट नोट में तो आता ही है इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है सूचना क्या होती है डाटा जो हमें डाटा प्रोवाइड करवाती है ठीक है हैज बीन गिवन सम मीनिंग बाय वे ऑफ रिलेशन कलेक्शन तो ये क्या करती है ये हमें एक बस कनेक्शन देती है हमें एक डाटा दे देती है मतलब एक डाटा है आपके सामने जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ यहाँ पर ये इतना है और इससे इतनी चीजें हुई हैं तो एक डाटा है पूरा इंफॉर्मेशन डील्स विद द वे डाटा इज रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया जो डाटा डाटा से संबंधित होती है तो ये क्या कहलाती है हमारी डाटा इट नीड एनी कग्नेटिव कग्नेटिव एबिलिटी इसे किसी भी एबिलिटी की जरूरत नहीं होती इसे कोई भी संगनात्मक क्षमता की जरूरत नहीं है इसमें हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस डेटा को हमने ऐसे ही एक्वायर कर लिया है ऐसे ही हमें बस सूचना प्राप्त हो गई है इट वुड बी समस्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रेलिवेंट टू दी मशीन सिस्टम यह मशीन सिस्टम से भी संबंधित होता है ठीक है मशीन ने हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है एक डाटा दे दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर ली तो सूचना क्या होती है इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक ही वर्ड के साथ जो है डेटा ठीक है डाटा है जो हमें प्रोवाइड करवा दिया मशीन ने और चीजों ने हमने उसे वैसे ही एक्वायर कर लिया तो ये क्या है हमारी सूचना अब नॉलेज क्या होता है ज्ञान क्या होता है अब जहां हमने इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज नहीं किया वही नॉलेज में हमसे इन सब चीजों का यूज करते हैं और एक जो बहुत ही यूजफुल होती है उस नॉलेज को एक्वायर करते हैं ये एक डिटर्मिनेस्टिक प्रोसेस होता है जहां पर क्या होता है आपको इंफॉर्मेशन जो होती है उसका बारे में अच्छे से उस पैटर्न के बारे में आपको पता लगाया जाता है आप पता करते हैं उसके बारे में ये एक नित्यात्मक प्रक्रिया है जहा सूचना के दिए गए सेट को भीतर पैटर्न का पता लगाया जाता है मतलब यहा, यहाँ पर क्या हो रहा था यहाँ आपको, आपको मशीन ने बस इन्फॉर्मेशन में एक डाटा दे दिया है आपने उस डेटा को एक्वायर कर लिया ठीक है आपको सूचना मिल गई लेकिन यहाँ जो आपके पास डेटा है आप उसको क्या कर रहे हो इवेल्युएट कर रहे हो पूरा समझ रहे हो अपनी कम्युनिटिव एबिलिटीज का यूज कर रहे हो उसके बाद उसे एक्वायर उसके बाद उस नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो तो यहाँ हम पूरा डाटा को अच्छे से इवेल्युएट करते हैं ठीक है नेक्स्ट है नॉलेज एग्जामिन पैटर्न विद इन अ गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ज्ञान जो है वो क्या है पूरे पैटर्न की इवेलुएट uh, करता है उसको एग्जामिन करता है उसको जांच करता है जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई जाती है इसमें हम मैंने अभी आपको बताया कग्नेटिव और अपनी एनालिटिकल एबिलिटी का यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन में तो क्या हो रहा था हमने कोई अपनी कग्नेटिव एबिलिटी यूज नहीं की जैसी इन्फॉर्मेशन जैसा डेटा हमें प्रोवाइड किया गया हमने वैसा एक्वायर कर लिया लेकिन इधर क्या हो रहा है इधर हमने जितना भी हमें डेटा दिया गया है हमने उसमें अपनी कग्नेटिव और एनालिटिकल एबिलिटी यूज की डेटा को पूरा इवेल्युएट किया उसके बाद जो नॉलेज निकल के आई हमने उस नॉलेज को एक्वायर किया नेक्स्ट है द नॉलेज विल हैव सम यूजफुल एंड इवन एप्लीकेबल इफ टू देम अब ज्ञान में कुछ उपयोगी और तक कि लागू होने पर भी लागू होगा अब भाई हाँ, नॉलेज हमें कुछ यूजफुल नॉलेज भी मिली और ऐसी नॉलेज भी लग, मिली जिसे हमने अप्लाई किया अपनी अपनी लाइफ में तो इस तरीके से हमने नॉलेज को जो है वो एक्वायर किया और अभी हमने ऊपर पढ़ा ही नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी मेथड्स के थ्रू क्वायर करते हैं जिससे हमें अपनी लाइफ के एडजस्टमेंट्स में भी हेल्प मिलती है लाइफ में एडजस्टमेंट करने की भी हेल्प मिलती है इस नॉलेज से तो हमने अभी नॉलेज का मीनिंग भी ऊपर सारा देखा ही है नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कंस्ट्रक्टिविज्म आई रियली होप आप लोगों को नॉलेज वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया हो अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ गलत लगा हो बीच में मैं एक ही बार ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर बीच बीच में कभी लगता है कि कोई चीज अगर मिस रह गई हो या कुछ चीज नहीं समझ आई हो तो आप लोग जो है वो मुझसे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और ठीक है अगर ये क्वेश्चन आता है नॉलेज के ऊपर तो हम लोग कैसे करेंगे इस नॉलेज के क्वेश्चन को इसको हम पहले अगर नॉलेज के ऊपर एक कम्बाइन लॉन्ग क्वेश्चन आता है सिक्सटीन मार्क्स का तो हम पहले थोड़ा सा मीनिंग ऑफ नॉलेज लिखेंगे कि नॉलेज का मतलब क्या है अर्थ क्या है उसके बाद उसके काइंट्स बताएंगे टाइप्स बताएंगे स्पेसिफिक टाइप्स भी बता सकते हैं अगर स्पेसिफिक टाइप्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पे जोर दिया गया सिर्फ टाइप्स ही पूछे गए हैं तो दोनों तरह के टाइप्स हम मैंशन करेंगे उसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ नॉलेज बताएंगे कि क्या है ठीक है तो ये पूरा हमारा नॉलेज का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा अब हमने जो है इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भी एक टॉपिक कर लिया है छोटा सा अब वो चाहे कंबाइन होकर आए सिक्सटीन मार्क्स के क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट आए हम दोनों ही उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं ये भी हमारा यूनिट वन का ही टॉपिक है एक बार मैं आप लोगों को फिर बता दूं हम नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट वन कर रहे हैं साथ साथ कहीं पे भी कोई भी इश्यू होगा तो आप लोग प्लीज मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कंस्ट्रक्टिविज्म है कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है एक सिद्धांत है इसमें ये जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? कंस्ट्रक्टिविज्म हमारी एक थ्योरी है जो ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड होती है ठीक है हाउ पीपल लर्न लोग कैसे सीखते हैं लोग कैसे सीखते हैं इसके ऊपर हमारी ये थ्योरी जो है वो बेस्ड है ऑब्जर्व करते हैं हम पहले चीजों को हम उसका साइंटिफिक स्टडी करते हैं वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसके बाद ये पता लगाते हैं कि लोग कैसे सीख रहे हैं चीजों को तो इट से कहा जाता है कि पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड लोग जो होते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ जो है संसार के प्रति खुद बनाते हैं लोग चीजों का अनुभव करके उन अनुभवों पे चिंतन करके दुनिया के ज्ञान की अपनी समझ का निर्माण करते हैं हमने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया देखा वर्ल्ड में उसके बाद हमने अपनी चीजें खुद बनाई हमारे जो इतने भी एक्सपीरियंस हमें रिफ्लेक्ट किए उसके बाद हमने खुद अपनी एक नॉलेज जो है वो एक्वायर की इस वर्ल्ड से ठीक है अपनी एक्सपीरियंस पे सीख कर की जो भी हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं उन सबका अनुभव करके हमने चीजों को खुद देखा अपना उसमें सोचा उसके बारे में कि अरे ये चीजें कैसी हुई है उसके बाद हमने चीजों के बारे में नॉलेज जो है वो एक्वायर किया नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट आर एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ आर नॉलेज ये क्या है ये हमारे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है भाई एक्टिव क्रिएटर्स ना हमें पता चल रहा है हम ही रोल प्ले कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में इसमें क्या बोला है उन्होंने? कि चीजें ऑब्जर्व करके हम सीख रहे हैं लोगों ने कैसे सीखा लोग आए संसार में ठीक है एक बच्चे ने ए, संसार में पैदा हुआ जन्म लिया उसके बाद खुद उसने थोड़ी थोड़ी चीजें अपने अनुभव से सीखी हम लोगों ने भी अपने आ, अनुभव को देखा कि क्या चीज सही है क्या गलत है अपने एक्सपीरियंसेस से जो हम लोगों ने नॉलेज एक्वायर की उसे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में अप्लाई किया गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर क्या कहते हैं एनकोरेज स्टूडेंट्स टू कॉन्स्टेंटली एसेस कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करते रहते हैं बार बार प्रोत्साहित करते रहते हैं कि वो क्या करें कॉन्स्टेंटली असेसमेंट करे असेसमेंट समझते हैं आप लोग क्या होते हैं कि चीजों का मूल्यांकन करें चीजों का आकलन करें कि क्या सही है और क्या गलत असेसमेंट का करेक्ट हिंदी होता है आकलन की चीजों के बारे में अच्छे से पता लगाना हाउ द एक्टिविटीज हेल्पिंग दैम गेन अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि कैसी गतिविधि उन्हें समझने में मदद करती है गतिविधि उन्हें समझने में कैसे मदद कर रही है भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वो कह रहे हैं कि तुम खुद एक्टिव बनो खुद सोचो कि चीजें कैसे होंगी ठीक है दिस गिव एवरी ब्रॉडिंग टूल टू कीप लर्निंग विद अ वेल प्लान क्लासरूम स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न और एक तरह से वो स्टूडेंट्स को ऐसा इन्वॉलमेंट दे रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स खुद सीख रहे हैं कि वो कैसे सीखना है ठीक है मतलब ये उनका ही एक टूल है एक वेल प्लान क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स ये सीखते हैं कि कैसे सीखना है अब देखो एक बार इसे शॉर्ट में और देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है थ्योरी इसको मैं एक बार इन शॉर्ट जल्दी से आपको थोड़ा सा और बताती हूँ जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली एक थ्योरी है ठीक है थ्योरी है इसमें क्या कहा गया है? ये थ्योरी क्या करती है ये ऑब्जर्व करती है चीजों को और हम चीजों को इसमें साइंटिफिकली स्टडी करते हैं ठीक है ठीके? अब थ्योरी है ऑब्जर्व कर लिया चीजों को साइंटिफिक स्टडी कर लिया किस चीज के लिए कर रहे हैं हम ये सब कि हाउ टू लर्न कैसी चीजें सीखी जाती है तो उन्होंने बोला कि ऑब्जर्वेशन से जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी चीजों को अनुभव कर रहे हो वर्ल्ड में संसार में जितना भी चीजें देख रहे हो अपने अनुभवों से जो आपको चीजें पता चल रही है वही आपका रियल नॉलेज है रियल आपको एक नॉलेज एक्वायर हो रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव टीचर्स भी, भी कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट को कॉन्स्टेंटली असेस करने के लिए कहते हैं चीजों को मतलब आकलन करते रहो प्रोत्साहित करते हैं कि जितना एक स्टूडेंट एक्टिव होगा उतना ही वो चीजों को और भी समझेगा नॉलेज को नई नॉलेज को एक्वायर करेगा वो स्टूडेंट्स को एक वेल प्लान पूरा क्लासरूम इन्वॉर्वमेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं टीचर्स कि स्टूडेंट्स को ये सीखना है कि वो कैसे सीखे भाई अपने आप सीखो जितना चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो वो चीजें आप कभी नहीं बोलते हो उस नॉलेज को आप कभी नहीं बोलते हो तो यही कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का जो है मेन एम है नेक्स्ट है कि अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें कह रहे हैं कि उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अच्छे रचनावादी कक्षाओं की कुछ विशेषताएं क्या हैं ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे लर्निंग इज एक्टिव अभी हमने ऊपर इतना बात किया कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या कह रही है इससे आपको समझ आई गया होगा कि लर्निंग क्या है सीखना क्या है एक एक्टिव प्रोसेस है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें आप चीजों को कॉन्स्टेंटली सीखते रहोगे आपको रुकना नहीं है इसमें स्टूडेंट्स का फुल पार्टिसिपेशन होता है ठीक है इन दिस लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन टॉक अबाउट देयर एक्टिविटीज इसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं अपनी गतिविधियों पर विचार करते हैं उनके बारे में बात करते हैं और न्यू नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हैं जितना आप चीजों के बारे में बात करेंगे चीजों के उतना आप जितना उसके ऊपर चिंतन करेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे जितने एक्टिव रहेंगे आप लोग क्लासरूम में उतना ही आपको और नॉलेज एक्वायर होगी बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट है लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स कम टू लर्निंग सिचुएशन विद ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड नॉलेज आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग्स दिस प्रीवियस नॉलेज द रॉ मेटीरियल फॉर द न्यू नॉलेज दे विल क्रिएट अब जब बच्चा क्लास में आता है ठीक है छात्र क्लास में जब आ रहा है उसे पहले ही कुछ चीजों का ज्ञान है ठीक है आप स्कूल जा रहे हैं आप अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले ही आप कुछ चीजें वर्ल्ड से अपने एक्सपीरियंस से लेकर जा रहे हैं आपको कुछ चीजों के बारे में ज्ञान है लेकिन वो जो नॉलेज है वो क्या है आपकी रॉ मेटीरियल है ठीक है रॉ मेटेरियल समझते हैं ना क्या होता है रॉ मटेरियल होता है उससे कच्चा माल जैसे कहा जाता है उसके बाद हम कच्चे माल का इस्तेमाल करके अपने लिए जो भी हमें जरूरत की चीज होती है वो बनाते हैं तो जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है यहाँ पे कहा गया है कि वो हमारा रॉ मटेरियल है अब इस रॉ मटेरियल से जब हम आगे क्लासरूम में आएंगे और दस बच्चों से बातें करेंगे चीजों के बारे में सीखेंगे और डिस्कशन करेंगे तो हमें एक न्यू नॉलेज एक्वायर होगी तो ये हमारा एक न्यू जो है नॉलेज क्रिएट करेगा राइट right? तो इस तरीके से हमें और ग्राम ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा तो लर्निंग कंस्ट्रक्टेड में है कि एक कैसा नॉलेज है आप एक रॉ मटेरियल नॉलेज के साथ क्लास में एंटर करते हैं फिर उस रॉ मटेरियल नॉलेज से आप न्यू नॉलेज जो है वो क्रिएट करते हैं दस लोगों से बातों करोगे और भी चीजों के बारे में पता चलेगा नेक्स्ट है हमारा लर्निंग इन ग्रुप्स ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि ग्रुप्स में बहुत और भी अच्छी लर्निंग होती है स्टूडेंट जो होते हैं वो एक एक्टिव एक एक में रहते हैं एक साथ चीजें जब प्रक्रिया जब करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है अलग अलग स्ट्रेटेजी मेथड्स को अपनाती हैं तो उन्हें नई नई चीजों के बारे में नया जो नॉलेज होता है नया ज्ञान जो होता है वो प्राप्त होता है व्हेन स्टूडेंट्स रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग प्रोसेस टुगेदर जब बच्चे अपने लर्निंग प्रोसेस को एक साथ रिव्यू करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं दे कैन एंड विकसित हो रहा है बहुत ही नॉर्मल है बहुत ही इजी है ये बिल्कुल कहना सही है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग टेकिंग टेक्स इनटू अकाउंट स्टूडेंट्स करंट कंसेप्शन एंड बिल्स फ्रॉम देयर अब यहाँ पे रचनावादी शिक्षण छात्रों की वर्तमान अवधारणाओं को ध्यान में रखता है और वहां से निर्माण करता है यही बोल रहे हैं ना बार बार कि क्या है विकसित हो रही है नई नॉलेज ज्ञान आ रही है भाई आप एक, एक नॉलेज लेके गए आपके पास कुछ नॉलेज थी प्रीवियस नॉलेज थी आपने दस लोगों से बात की डिस्कशन किया आपको न्यू नॉलेज मिली तो आपका ये ज्ञान का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है इवॉल्व हो रही है ना न्यू नॉलेज तो यही है हमारा लर्निंग इज इवॉल्विंग कि ज्ञान का विकास जो है वो हो रहा है आई रियली होप आप लोगों को कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छे से समझ आया हो अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो हम यहाँ मीनिंग कर लिया है और उसके करेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए हैं कि एक गुड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए नेक्स्ट अब हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर अभी हमने बात किया मैंने अभी आप लोगों को अभी ऊपर भी थोड़ा सा समझाया है कि ऐसे शॉर्ट नोट आ जाए तो शॉर्ट नोट के लिए मैंने ऐसे टेबल्स बनाए हैं एक दो दो तीन टॉपिक्स पे जो हेल्प करेंगे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में मेन क्वेश्चन इसके ऊपर बेसिकली नहीं आता है लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो किसी से कंबाइन होकर ही आएगा अगर नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो हम उसका मैंने अभी आपको बताया सिक्सटीन मार्क्स के क्वेश्चन में तो सब कुछ लिखेंगे मीनिंग लिखेंगे मैथड्स लिखेंगे टाइप्स लिखेंगे और अगर सिर्फ शॉर्ट नोट आता है तो फिर हम बस इतना ही इन्फॉर्मेशन जो है एग्जामिनर को देंगे की इन्फॉर्मेशन क्या होता है और नॉलेज क्या होता है इसके लिए मैंने आप देख रहे हैं पूरे आपको अच्छे से हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है पूरा टेबल बनाया जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एक बार और मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन जो होती है ये ध्यान रखना कि पूरी डेटा रिलेटेड होती है जितना डेटा आपके पास है आपने एक्वायर कर लिया कोई अपनी कग्निटिव एबिलिटी नहीं लगाई है आपने आपको जो कहा गया आपने वैसा का वैसा उ कर लिया और ये जो डेटा होता है ये हमें सिस्टम से प्रोवाइड होता है ठीक है और लेकिन वही नॉलेज जो है यहाँ पर जो हमें डेटा मिला है ये डेटा को हम लोगों ने क्या किया है हमने इसे इवेलुएट किया है इसमें अपनी एबिलिटीज का यूज किया है हमने सही और गलत चीजों का आकलन किया है अपनी एनालिटिकल एबिलिटी का यूज किया है उसके बाद नॉलेज को एक्वायर किया है तो ये हमारा नॉलेज है इंफॉर्मेशन नॉलेज में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट है हमारा बिलीफ एंड ट्रुथ इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट जो है वो आ सकता है इसलिए शॉर्ट नोट के लिए दो तीन टेबल मैंने जो है रेडी किए हैं बिलीफ क्या होता है और ट्रुथ क्या होता है तो इसे भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं बिलीफ के एक पर्सनल स्टेटमेंट है इवेलुएटेड टू बी ट्रू बाय अ पर्सन ये क्या है कि, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका मूल्यांकन कर लिया जाता है ठीक है इवेल्युएट कर लिया जाता है आपने किसी स्टेटमेंट को मान लिया है ठीक है व्यक्तिगत बयान है एक तरह से विश्वास क्या है एक व्यक्तिगत बयान ही तो है कि जिसका मूल्यांकन किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है इसमें कोई आपका वो नहीं है कि भाई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बस एक बिलीफ है कि ये चीजें हुई है आपने एक व्यक्ति ने दिया है और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने ही उसका मूल्यांकन करके उस पर बिलीव कर लिया ये सब्जेक्टिव होता है पर्सनल होता है ठीक है व्यक्ति परक होता है पर्सनल चीजों से जो होता है वो गाइडेड होता है इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ सब्जेक्ट रफली रिगार्ड्स अ थिंग टू बी ट्रू ये मन की वह अवस्था है जिसमें विषय वस्तु को मोटे तौर पर सत्य मानता है भाई आपके मन ने मान लिया किसी ने आपको चीजें बता दी खत्म बात आपने ज्यादा उसमें दिमाग लगाया ही नहीं इट इज अस्टम ऑफ थॉट एंड इन्फॉर्मेशन विच वी हैव एकटेड एंड स्टोर इन आर ड्रीम्स ये एक सिस्टम है इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता चली और हम अपना उसने उसे हमने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया मतलब कुछ सोचा नहीं समझा नहीं क्या सही है क्या गलत बस एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट है जो एक व्यक्ति ने दी दूसरे व्यक्ति ने उसे जज कर लिया आकलन करके और उस बात को मान लिया खत्म बात इंफॉर्मेशन की तरह एक ही आपकी ब्रेन में गई आपने वहां अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया उस इन्फॉर्मेशन को खत्म बात अब वही त्रुथ क्या होता है त्रुथ एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है त्रुत ऐसी मजाक नहीं होता कि चल रहा है कुछ भी ये नहीं ये क्या होती है एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है ये इसमें भाई साइंटिफिकली प्रूव होती है ये अः सब मानते हैं ठीक है यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब यूनिवर्सल आप समझते हैं क्या होता है पूरा विश्व मान रहा है ये सच्चाई है कि ये होगा ही ठीक है इट इज ऑब्जेक्टिव एंड इट इज यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल है फैक्ट होता है रियलिटी होती है सब मानते हैं है भाई ये फैक्ट है रियलिटी है, है इसको चेंज नहीं किया जा सकता जो जो साइंटिफिकली प्रूफ प्रूफ है 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 वो है। जो है, वो डिफरेंट तरीके से नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है सच ऐसा लैंग्वेज है परसेप्शन है नॉलेज है सत्य को ज्ञान के विभिन्न तरीकों जैसे भाषा धारणा ज्ञान आदि को समाहित करने वाला माना जाता है ठीक है हमने यहाँ पे ये यह सच्चाई जो है वो मान ली है कि ये होता है आई रियली होप आप लोगों को बिलीफ और ट्रुथ भी समझ आ गया होगा डिफरेंस बहुत ही अच्छे से जल्दी से नेक्स्ट अपना लास्ट टेबल कर लेते हैं ये है रीजनिंग एंड एनालिसिस इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान से सुनिएगा रीजनिंग और एनालिसिस क्या होता है रीजनिंग क्या है ये एक सेट ऑफ प्रोसेस है डेट एनेबल गो बियॉन्ड द इन्फॉर्मेशन गिव इन ठीक है कि जो हमें जानकारी दी गई है जो हमें दी गई जानकारी से परे ज्ञान में सक्षम बनाता है रीजनिंग आप समझते हो क्या होता है ठीक है ये यहाँ हम रीजनिंग के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली वो वही कह रहे हैं कि यहाँ क्या करते हैं हम चीजों के बारे में एक न्यू नॉलेज जो है एक्वायर करते हैं कैसे हमें कोई जानकारी दी गई है लेकिन उसके अलग जाकर भी हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं दिमाग लगाते हैं कैसे ये क्या गलत डिडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं जो भी हमें फैक्ट्स दिए होते हैं ठीक है यहाँ हमने ये यह नहीं है कि डाटा जो दिया गया उसको वैसे का वैसा अपना लिया नहीं जो हमें फैक्ट्स दिए गए हैं देखो अलाउ अस टू ड्रॉ कॉन्क्लूजन ये हमें निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है जो तथ्यों के एक समूह को देखते हुए होना चाहिए मतलब हमें दिए गए हैं अब हमने क्या किया इनसे अपने कॉन्क्लूजन खुद निकाले हैं अपना दिमाग लगाकर अपनी कोग्नेटिव एबिलिटीज का यूज करके ठीक है ये हमें क्या करता है कॉन्क्लूजन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कॉन्क्लूजन नीड नॉट टू बी ट्रू गिफ्ट प्रीमिस कैटेगरी बेस्ड इंडक्शन एनॉलॉजिकल रीजनिंग ये हम अपना खुद चीजों को जज कर रहे हैं समझ रहे हैं हमें फैक्ट्स दिए गए हैं एनोलॉजिकल रीजनिंग के थ्रू कैटेगरीज के थ्रू हम कॉन्क्लूड कर रहे हैं तो इसके बाद हम चीजों का कॉन्क्लूजन निकाल कर चीजों को समझ रहे हैं मतलब या कुछ वो नहीं है कि बस जो दे दिया गया उसे अपना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी लिखा है रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन तर्क लेने लेने के कि किसी चीज के बारे में सोचने की प्रक्रिया है कि अगर आपको क्या करना है कुछ आप तर्क निकालना है कॉन्क्लूजन निकालना है कोई डिसीजन निकालना है तो उसके लिए भाई सोचोगे ना पहले दिमाग लगाओगे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज दी गई है और हमने उसको ले ली है और उससे नॉलेज एक्वायर कर लिया नहीं फैक्ट्स दिए गए हैं इधर लेकिन उसे हम क्या करेंगे अपने दिमाग से अपनी सूझबूझ से अपना कॉन्क्लूजन खुद निकालेंगे ठीक है ये होता है रीजनिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रीजनिंग को अगर हम कहें कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी जैसा लिखा है रीजनिंग क्या है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है और यही एनालिसिस क्या होता है एनालिसिस में क्या होता है हम एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है एन इवैल्यूएशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स विश्लेषण डाटा या सूचना को उसके घटक में तोड़कर व्यवस्थित परीक्षा और मूल्यांकन है जिसको हमने अपना लिया है ये क्या होता है डिस्क्रिप्टिव होता है ठीक है लिखा गया है देखा हमने डेटा को देखा उसके हमने वो देखी क्वालिटीज देखी और उसके बाद हमने उसका मात्रात्मक रूप से वर्णन कर लिया ठीक है डिसिप्लिन ऑफ क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइबिंग द मेन फीचर्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डाटा हमें कलेक्शन ऑफ डाटा दिया गया है उसको हमने क्वांटिटी के तरीके से जांच पड़ताल कर लिया इसमें हमने कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाया चीजों को कॉन्क्लूड नहीं किया एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस इसमें क्या होता है हम इसमें डाटा को डाटा को एनालाइज करते हैं ठीक है फॉर डिफाइनिंग फ्यूचर स्टडीज और क्वेश्चन ये जो एनालिसिस uh, होता है ये हमारे किसके लिए काम आता है फ्यूचर स्टडीज के लिए काम आता है ठीक है फ्यूचर स्टडीज के लिए काम आता है क्वेश्चन के, के लिए काम आता है तो यहां पर क्या हो रहा है एनालिसिस में ये एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और रिवोल्यूशन डाटा इंफॉर्मेशन है जिसमें हम क्या करते हैं भाई इसमें हमें ज्यादा वो नहीं है बस हमें फ्यूचर में कोई भी अगर पढ़ाई करनी है क्वेश्चंस निकालने है, तो उसके लिए हमने सारे अपना एग्जाम्स का देखा एनालिसिस कर लिया है। जैसे कि क्वेश्चन अब हमें पेपर देना है, ठीक है बीएड का का पेपर देना है समझ लो उसके लिए हम क्या करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं कोई भी पेपर देने से पहले लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को वो हम क्या करते हैं उन्हें एनालाइज करते हैं अरे इतने क्वेश्चन इसमें से आए इतने इसमें से आए अच्छा इतने आने की इस बार उम्मीद है तो ये डाटा जो है ये हमें कैसे मिलता है एनालिसिस प्रोसेस से मिलता है ये हमने यहाँ पे एनालाइज किया है आई रियली होप अब आप लोगों को एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम एनालिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं ठीक uh, है नेक्स्ट है मैकेनिस्टिक एनालिसिस इट इज टू अंडरस्टैंड द एक्सैक्ट चेंजेस इन वेरिएबल्स दैट लीड टू चेंज इन अदर वेरिएबल्स फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ये उन चरों में जरोविस्टिक परिवर्तनों को समझाना है जो अलग अलग वस्तुओं के लिए अन्य चर परिवर्तन की ओर ले जा सकता है मैकेनिस्टिक है भाई कोई चीज इसमें नहीं है एग्जैक्ट चेंजेस हैं वेरिएबल्स हैं तो उसमें हमने चीजों को बस समझना है ये चीजें लिखी हुई हैं अभी मैंने बताया एग्जाम्पल बताया कि अगर हम कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले हम चीजों को वो करते हैं ना जैसे लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करेंगे पूरा ये ये क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे ऐसे इस बार आने की उम्मीदें हैं तो ये एक तरह से चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है ठीक है यांत्रिक विश्लेषण है हम भाई मशीन के द्वारा भी मैकेनिज्म उसमें भी कर सकते हैं चीजों को हमने यंत्र से भी कर सकते हैं कि भाई कंप्यूटर डिवाइस से भी देख लिया हमने चीजें जज कर ली एक डाटा जो है वो फैक्ट जो है वो निकाल लिया और हमें चीजों के बारे में पता चल गया कोई हमने इस तरह अपना दिमाग नहीं लगाया लेकिन रीजनिंग में क्या होता है रीजनिंग में हम अपनी सारी एबिलिटीज uh, का यूज करते हैं कग्नेटिव एबिलिटीज का यूज करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं फैक्ट्स को देखते हैं उसके बाद कॉन्क्लूजन खुद निकालते हैं खुद चीजों को जज करते हैं एसेस करते हैं रीजनिंग क्या है थिंकिंग प्रोसेस है वही एनालिसिस क्या है ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे हमने बस सिस्टम से देख लिया है चीजों को जज कर लिया और खत्म इसमें हमने कोई भी चीजों के बारे में अपने कॉन्क्लूजन नहीं निकाले हैं जो चीजें कह है रही हैं जो सिस्टम पे आ रहा है जो दिख रहा है कि भाई ये चीजें ऐसे वेल्युएट हुई है या ये जो डाटा है ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है उसको हमने कुछ नहीं किया उसको हमने नहीं छेड़ा है ठीक है हमने बस अपना एक एनालाइज कर लिया है तो ये था रीजनिंग और एनालिसिस अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट है आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि किस तरीके से हमें आंसर को अटेम्प्ट करना है हम पहले अगर नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो पहले मीनिंग लिखेंगे थोड़ा टाइप्स लिखेंगे स्पेसिफिक टाइप्स लिखेंगे मैथर्ड्स लिखेंगे उसके बाद इन्फॉर्मेशन नॉलेज के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो और शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करवा दे कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अच्छा टॉपिक है ये थ्योरी के ऊपर इसके ऊपर भी एक पूरा अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो आपका अच्छा आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा फिर इन्फॉर्मेशन नॉलेज कर लिया हमने कर कर लिया और कर लिया और और रीजनिंग एनालिसिस मैंने कोशिश की है यूनिट वन को कवर करने की जितना भी हो पाया है लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी ऐसा नहीं है कि कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा और यस ये हमारा यूनिट वन हो गया है इसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ना कुछ यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड के भी टॉपिक्स जो है वो करवाए हुए हैं यूनिट फोर के मेन टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है आप लोग प्लीज उन टॉपिक्स को जाके जरूर पढ़िएगा और बाकी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नॉलेज एंड करिकुलम में नहीं समझ आ रहा है या नहीं समझ में मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए उसके ऊपर भी मैं आप लोग को जल्दी ही एक वीडियो बनाकर दे दूंगी जिससे आपका फर्स्ट पेपर जो है सेकेंड ईयर का वो रेडी हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर लीजिए क्योंकि पेपर जो है वो आने वाले हैं आपको पता है ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट कंपलसरी पेपर है तो फर्स्ट पेपर से पढ़ाई शुरू करते हैं ना तो शुरू कर दीजिए बाकी अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो बहुत ही बार बोला है बार बार रिपीट किया है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा तो चलिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए टेक केयर बाय